Hello my dear students, once again welcome to my channel Kaurish. I am your instructor Suresh Singh and today I am going to teach you one word. Student, आज की जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले मैं यही कहूँगा कि वीडियो को वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. अगर आपकी कोई भी डाउट है या क्वेरी है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो. तो आज का फर्स्ट वन वर्ड है आपका एन इन्फेक्शन डिसीज मार्क वाई रेड स्पॉट ऑन द बॉडी. एक तरीके का इन्फेक्शन होता है स्टूडेंट जिसको हम आपका मीसोस बोलते हैं, जिससे एल आपका साइलेंट रहता है, जिसमें क्या होती है छोटी माता बोला जाता है इसको, या फिर हम कसरा कहते हैं. इसमें क्या होता है जो जो मानव होता है, मतलब जो कोई भी हो, तो मतलब जिसकी जो बॉडी होता है उसके शरीर पे क्या रेड रेड स्पॉट छोटे छोटे से, मतलब बिन क्या बोलते हैं स्पॉट बन जाते हैं उसमें, ठीक है, तो उसको हम छोटी माता या कसरा बोलते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट ए स्किल्ड वर्कमैन हु रिपेयर मशीनरी एंड टूल्स, यानी कि कोई भी स्किल्स है वो जो निपुण है कोई भी व्यक्ति है वो क्या स्टूडेंट कोई भी काम करता है किसका काम रिपेयर. रिपेयर मीन्स क्या होता है मशीनों को बनाने का, या फिर जो टूल्स होते हैं औजार उनको बनाते हैं उसको बोलते हैं आपका मैकेनिक. मशीनरी से बना है आपका मैकेनिक, जिसको हम आपका मिस्त्री या कारीगर बोलते हैं. नेक्स्ट है एनी सब्सटेंस यूज एज ए रेमडी फॉर डिसीज, ठीक है, यानी सब्सटेंस मीन्स क्या होता है कोई पदार्थ है यानी कि दवा होती है, इसको स्टूडेंट आपका हम मेडिसिन बोलते हैं, इसको हम दवा कहते हैं. ये क्या होता है ये रेमडी मतलब उपचार के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम आपका मेडिसिन बोला जाता है. नेक्स्ट है ए मेडिकल स्टूडेंट जो मेडिकल की जो पढ़ाई कर रहा होता है स्टूडेंट उसको बोला जाता है आपका मेडिको. नेक्स्ट है समथिंग दैट सर्विस एज ए रिमाइंडर, ठीक है, ये को होता है स्टूडेंट के मतलब कोई भी यादगार के तौर पे जैसे हम रख लेते हैं, ठीक है, जिसको हम मोमेंटो बोलते हैं, यादगार बोल सकते हो आप इसकी लाइफ में. मान लीजिए आपको जैसे बर्थडे है तो बर्थडे पे क्या करते हो आप लोग, उसके लिए आप सर्विस के तौर पर रिमाइंडर रख सकते हो, या मतलब जैसे हम रोजाना कोई भी रूटीन जो वर्क करते हैं उसके लिए भी आप इसको कोई भी आप वर्क है मतलब जिससे आपको याद रहे कि हाँ भाई हमें ये काम करना है ये हमने काम, तो उसको मोमेंटो बोलते हैं. नेक्स्ट पर्सन हु ट्रेड इन साइड ए कंट्री, यानी कि कोई व्यक्ति इसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं आपका मर्चेंट बोलते हैं. उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है जो कंट्री है उसके साइड में इनसाइड में या कंट्री आउटसाइड में वो क्या करता है आपका जो जो आपका गुड्स होता है यानी माल होता है उसको क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करता है, उसको हम आपका मर्चेंट बोलते हैं. नेक्स्ट पर्सन हु लिव्स इन मेट्रोपोलिटन, मेट्रोपोलिटन ये होता है स्टूडेंट आपका उसको बोलते हैं हम आपका मेट्रोपोलिटन यानी महानगर बोला जाता है आपको मेट्रो. नेक्स्ट है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नीफिंग ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है स्टूडेंट के सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ये छोटे छोटे जो आपके जीव हैं या छोटे छोटे कण हैं उनको देखने में काम आता है, उसको हम आपका माइक्रोस्कोप बोलते हैं. स्कोप मीन्स क्या होता है, स्कोप बोलते हैं दूरबीन को, और माइक्रो मीन्स होता है छोटा, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप मीन्स क्या हो गया सूक्ष्मदर्शी, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनको देखने में काम आता है. नेक्स्ट है डिवाइस फॉर मेजरिंग मिनट डिस्टेंस एंगल एंड कनेक्शन विद टेलीस्कोप और आपका माइक्रोस्कोप, ये होता है स्टूडेंट एक डिवाइस ही होती है. इसमें क्या है कि हम कोई भी जो वर्क करें जैसे अभी मैंने बात की थी आपकी माइक्रोस्कोप की, ठीक है, तो और भी अदर जो डिवाइस है उनका कनेक्शन बताता है कौन सा किस एंगल पर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या उसके बारे डिटेल में टेलीस्कोप या आपके माइक्रोस्कोप, तो उसको बोला जाता है आपका माइक्रोमीटर. जैसे कि स्पीड से क्या है हम स्पीडोमीटर से क्या है स्पीड नापते हैं, इसी तरीके से आपका माइक्रोमीटर होता है. नेक्स्ट है वुमेन ट्रेंड टू हेल्प वुमेन इन चाइल्ड बर्थ, ठीक है, ये क्या होता है क्योंकि जब कोई भी लेडीज होती है, ठीक है, तो जब उसका जो मतलब बच्चा होता है उस टाइम जो उसकी जो हेल्प करती है उसको हम आपका मिडवाइफ बोलते हैं, उसको दाई माया उसको हम दाई बोलते हैं. नेक्स्ट है पीरियड ऑफ 1000 ईयर, यानी कि जो एक साल 1000 साल का जो स्टूडेंट क्या है जो समय होता है उसको बोला जाता है आपका मिलेनियम यानी 1000 साल की अवधि, ठीक है, या हम कहें ए मैन ऑफ मिलियन यानी कि कोई व्यक्ति जिसके पास क्या स्टूडेंट मिलियन पैसा यानी वो लखपति बोलते हैं उसको मिलेनियंस, ठीक. नेक्स्ट पर्सन हु वर्क इन माइन, जो माइन में जो काम करते हैं जो आपकी खादान होती है उनसे क्या स्टूडेंट उनमें जो खनिज वगैरह निकलते हैं आपके उसको हम माइन बोलते हैं, उसको हम आपका माइन बोलते हैं, जो खनिक यानी खजन निकालने का काम करते हैं उसको हम आपका माइन बोलते हैं. नेक्स्ट है एनी सब्सटेंस ऑब्टेन बाई माइनिंग,
ये क्या होता है स्टूडेंट, इसको मिनरल बोलते हैं हम, खनिज बोलते हैं, कि जो अभी मैंने बात की, जैसे आपकी माइन, माइन में क्या होता है, वम वगैरह लगा देते हैं, उससे क्या हो, माइनिंग कराई जाती है, जो भी हमारे जो यूज़ में आने वाली हैं रूटीन में, जैसे कि हम अब जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, तो जो भी पत्थर वगैरह आते हैं आपके, या मान लीजिए कीमती जो चीज़ें होती हैं, तो उनकी जो माइनिंग की जाती है उसको हम आपको, उनमें क्या कोई पदार्थ मिलता है उसको हम आपका मिनरल्स बोलते हैं, उसको खनिज बोला जाता है स्टूडेंट, माइनिंग करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट ए पर्सन हु इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ये क्या होता है, किसी राज्य का जो हेड है, ठीक है, जो मेन मतलब मेन आदमी होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट राज्य का, उसको हम स्टूडेंट आपका मिनिस्टर बोलते हैं, उसको हम मंत्री बोलते हैं। नेक्स्ट ए प्लांट हुज लीव्स आर यूज फॉर फ्लॉबिंग आपका फ्लॉबिंग फूड, ठीक है। ये क्या होता है, प्लांट होता है, इसको माइंड, उसको मिंड बोलते हैं, इसको पुदीना बोला जाता है स्टूडेंट। उसकी जो पत्तियां होती है उसका क्या काम करते हैं, उसको बस सुखा लेते हैं और उसको जो भी हम जो स्पाइसी चीज़ होती है उनमें डाल के उसको खाते हैं, जैसे रायता वगैरह जो बनाते हैं उसमें। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ ए मीटिंग, किसी भी जो मीटिंग होती है जो आधिकारिक के तौर पर, उसको बोला जाता है मिनट्स, यानी सभा की कार्यकारी का वितरण मतलब विवरण दिया जाता है कि हम और नेक्स्ट टाइम में हमें क्या करना है, किससे किस तरीके से बात करनी है, क्या क्या किस उद्देश्य के बारे में बात करनी है, क्या क्या हमें समझौते करने हैं, या क्या क्या हमको आगे काम करना है, तो उसके बारे में उसको हम मिनट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एन इम्पोर्टेंट गर्ल, ठीक है, इम्पोर्टेंट ये मतलब इसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका MINX, माइनेक्स, यानी ठीठ जो लड़की होती है उसको बोला जाता है आपका नेक्स। नेक्स्ट है वेपन दैट इज शॉर्ट और आपका प्रोडक्ट प्रोजेक्ट, ये क्या होता है स्टूडेंट के, उसको मिसाइल कहते हैं, या हम बोलें कि फेंक कर चलाए जाने वाले शस्त्र होता है। मिसाइल क्या होता है, केवल हमें अपना टारगेट फिक्स कर देते हैं कि हमें इस जगह पर इस मिसाइल को चलाना है, बस बटन ऑन करना और मिसाइल उस जगह पर जाकर गिरती है, ठीक है, तो उसको हम मिसाइल बोलते हैं, ए वेपन दैट इज शॉर्ट और प्रोटेक्ट। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग इन बिच मॉन्क्स लाइफ, मॉन्क्स क्या होता है स्टूडेंट, मॉन्क्स बोला जाता है आपको जो सन्यासी जो व्यक्ति मतलब जो होते हैं साधु वगैरह जो होते हैं उनको बोला जाता है मॉन्क्स, तो जिस जगह पर वो रहते हैं उसको बोला जाता है आपका स्टूडेंट मोनेस्ट्री, यानी उसको हम मठ बोलते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम रूलर, जो शासक होता है उसको स्टूडेंट हम आपका मोनार्क बोलते हैं, और जो सुप्रीम जो गवर्नमेंट होती है उसको हम आपका मोनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट है पीपल हु लुक आफ्टर द बॉय इन द क्लास इन द ऑब्सेंस ऑफ द टीचर, उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका मॉनिटर, जब टीचर क्या करते थे, आपने देखा हो कई बार आप भी मॉनिटर बने होंगे स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता था कि जो टीचर था वो क्लास से किसी वर्ग के बाहर जाते तो किसी जो होशियार सा स्टूडेंट होता था क्लास में, तो उसको बना देते मॉनिटर और बोलते थे बेटा तुम्हें हमारी बात क्या है, क्लास को देखना है कि कोई उदमबाजी ना करे क्लास में, कोई चीटिंग वगैरह ना करे, शोर शराबा ना करे, तो उसको बना देते। तो वो क्या करता था कि टीचर के जाने के बाद क्लास में देखता था कि कोई बच्चा शरारत तो नहीं करा, अगर कोई शरारत करता तो वो उन बच्चों के नाम बोर्ड पर लिख देता था, ठीक है, तो उसको बोला जाता था मॉनिटर। नेक्स्ट है टू और मोर देन टू लेटर्स कंबाइन इन वन डिजाइन, उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका मोनोग्राम, टेलीग्राम से आपका ग्राम लिया गया और मोनो यूज़ किया जाता है फॉर मैनी के लिए, ठीक है, तो क्या होता है दो लेटर्स जो पत्र हैं दोनों को कंबाइन करके क्या है एक में डिजाइन कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है आपका मोनोग्राम। नेक्स्ट है ड्रामा टू बी परफॉर्म बाई ए सिंगर मैन, ठीक है, मोनो मीन्स होता है स्टूडेंट आपका एक, मतलब वन के लिए होता है, बिगेमी मीन्स होता है ज़्यादा, ठीक, तो ड्रामा में क्या है कोई फन फॉर्म मतलब परफॉर्म कर रहा है कोई भी सिंगल व्यक्ति है, तो उसको बोला जाता है आपका मोनो मोनोलॉग। नेक्स्ट है सेंसुअल विंड विच ब्लो ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये क्या होता है स्टूडेंट की जो सीजन के हिसाब से जैसे बरसात हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम जो हवा बहती है उसको बोला जाता है आपको मानसून बोलते हैं, जिससे क्या हो बरसात आती है तो इन्हें मानसूनी हवा बोलते हैं। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कीप अलाइव वंस मेमोरी, ठीक है, इसको बोला जाता है स्मारक, या इसको बोले हम आपका मोनोमेंट, मोमेंटो से आपका मोनोमेंट लिया गया स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कोई भी जो बिल्डिंग बना देती है जैसे आपका ताजमहल है, ठीक है, तो अपनी याद के तौर पर उसने मतलब उसको बना दिया गया, उसको बोला जाता है आपका मोमेंट। नेक्स्ट है बिल्डिंग इन विच मुस्लिम वर्शिप अल्लाह, यानी कि एक बिल्डिंग होती है जिसको स्टूडेंट आपका मॉस्की बोलते हैं हिंदी में, मस्जिद बोलते हैं, जो हमारे जो मुस्लिम भाई होते हैं वो क्या करते हैं वहाँ पर पूजा करते हैं अल्लाह की, उसकी इबादत करते हैं, तो उसको मॉस्क बोला जाता है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सीप यूज एज फूड,
जो आपकी जो भेड़ होती है, जो उसका जो मतलब मांस होता है उसको हम मटन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो जो भेड़ का मांस है उसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं कुछ व्यक्ति, तो उसको मटन बोला जाता है। नेक्स्ट, स्कार्लिंग ऑफ ए प्लांट विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट ऑफ दैट प्लेनेट फ्लावर्स। ये क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो पुष्प होते हैं, कुछ ऐसे वृक्ष आपने देखे होंगे, तो उनमें क्या होता है, अपने आप एक अट्रैक्शन होता है। उसमें क्या करते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो क्या है उनके फूल पे वो जाकर उनको बैठ जाते हैं, उनसे रस चूसते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मधुमक्खी है आपकी, तो क्या करती है, वो शहद लेने के लिए क्या सरसों के पेड़ों पर जाएगी, और भी जो पुष्प है उन पर बैठती है, तो वहाँ से रस वगैरह लेके आती है। उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका नेक्टर, इसको हम मधुमेह बोलते हैं या आप इमृत बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वन हु लाइव्स नेवर एनोदर। ठीक है, वन हु लिव्स नियर एनोदर, कोई भी व्यक्ति है जो किसी के पास में रहता है, तो उसको हम स्टूडेंट नाइबर बोलते हैं, यानी उसको हम पड़ोसी बोलते हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन रिसेंटली मैरिड। ठीक है, जिसने देखो न्यू मीन्स क्या होता है, नया, और गैमिस्ट, गैमिस्ट बनाया आपका मैरिज से। ठीक है, तो न्यू गैमिस्ट मतलब नवविवाहित जो मनुष्य होता है, जिसका हाल में विवाह होता है, उसको बोला जाता है न्यू गैमिस्ट। नेक्स्ट, ए प्लेस विच इज मेड बाई ए वर्ड वर्ड फॉर इट्स सेक्स। ठीक है, मेड बाई ए वर्ड्स, यानी एक जगह इसको स्टूडेंट क्या है, चिड़िया अपने अंडों के लिए बनाती है या अपने रहने के लिए बनाती है, तो उसको बोला जाता है आपका नीस्ट, उसको हम घोंसला बोलते हैं। नेक्स्ट, सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम। ठीक है, जो आपका जो एटम होता है, जो अणु होता है, उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो उसको बोला जाता है स्टूडेंट न्यूक्लियस, यानी उसको हम आपका नाभिक बोलते हैं। नेक्स्ट, ए वुमेन लिविंग इन ए कॉन्टिनेंट अंडर सेलिमोन वॉइस ए पॉवर्टी चैरिटी एंड ऑबिडियंस। ये क्या होता है स्टूडेंट, तो लेडीज हैं मतलब अपनी जो जीवन निर्वाह करती हैं वो किसमें, गरीबी में करती हैं या दूसरों के दिए हुए दान पर अपनी जिंदगी गुजारती हैं। ठीक है, तो उनको स्टूडेंट हम नन बोलते हैं, यानी उसको तपस्विनी बोल सकते हो आप, उनको सन्यासी बोल सकते हो। नेक्स्ट, ए लवली यंग गर्ल, जो लड़की मतलब कोई ज़्यादा लड़की प्यारी हो, तो उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, नियमित बोलते हैं। ठीक है, निमाफ बोलते हैं उसको, निमाफ मतलब सुंदर युक्ति, और इसकी मैंने अभी डम लड़की कराई थी, उसको क्या बोल देते हैं, नेम्स। नेक्स्ट, ए नोटिस ऑफ ए डेथ ऑफ ए पर्सन, ये क्या होता है, उसको बोला जाता है ऑब्चुअरी। ऑब्चुअरी क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका मृत्यु समाचार होता है, ये आपकी जो न्यूज़पेपर होता है उसमें एक अलग से पार्ट दिया जाता है, तो वहाँ आप इसको देख सकते हो। ऑब्चुअरी में क्या है, जो व्यक्ति हैं मतलब रिसेंटली उनकी जो डेथ हुई है, मतलब उनके बारे में लिखा होता है। नेक्स्ट, ए फिगर ऑफ एट साइड, मतलब कोई भी आकृति जिसकी क्या स्टूडेंट आपकी उसकी 8 भुजाएं, उसको बोला जाता है ऑक्टन, और मैंने 7 भुजा होती है, तो उसको हम आपका सेप्टागन बोलते हैं। नेक्स्ट, ए यंग ऑफ एनिमल, ठीक है, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो संतान होती है, उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका ऑफ स्प्रिंग, जो जानवर होते हैं उनकी जवान बच्चे को। नेक्स्ट, वन हु लुक्स ऑन, ठीक है, मतलब क्या करता है कि कोई व्यक्ति है वो देखने का काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन लॉकर, यानी उसको हम दर्शक बोलते हैं। नेक्स्ट, एक कंपनी ऑफ परफॉर्म्स प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होता है स्टूडेंट, मतलब एक कंपनी मतलब क्या होता है, एक समूह होता है, उसको बोला जाता है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में क्या है, मतलब कई तरह के तुम्हारे जो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इकट्ठा करके उनको मतलब बजाने के काम में किया जाता है म्यूजिक के तौर पर, उसको हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्स इज इन इन, तो ये क्या होता है, उसको हम ऑसरर बोलते हैं, सही से बोलते हैं, यानी कि जो घोड़े वगैरह होते हैं उनको क्या है, उनको देखने का काम करते हैं, जिसके ऊपर अस्तबल में रहते हैं उनको ऑसरर बोलते हैं, उनको हम सही से बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट, ए पर्सन हु टेल्स द फ्यूचर एंड इन पार्ट्स करेक्टर वाइज रीडिंग द लाइन्स एंड आपका कॉन्फिटिक सॉरी कॉन्फ्रेटिंग ऑन ऑन द पाम। ठीक है, उसको बोला जाता है पाम, मीन्स क्या होता है, तिल होता है, पामिस्ट बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब एक व्यक्ति होते हैं जिनको आप बोल सकते हो हस्तरेखा, जो शास्त्री वगैरह होते हैं, उनका क्या काम होता है स्टूडेंट, वो किसी की भी हथेली वगैरह को, हाथ वगैरह को देख के बता देते हैं, मतलब कब तेरी जॉब लगेगी, तेरी लाइफ में क्या होने वाला है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, मानने वालों के लिए होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट, रेमडी फॉर ऑल डिसीज़, यानी कि जो सभी बीमारियों के काम में जो दवा आती है उसको बोला जाता है आपका पनाका, जिसको हम हिंदी में आपका रामबाण बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, प्लेस वेयर परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस, मतलब एक ऐसी जगह
जहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो स्टूडेंट कि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा शांति है, यहाँ शोरगुल नहीं है, यहाँ कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको बोला जाता है आपका पैराडाइज, यानी पूर्ण शांति और सुख का जहाँ पर आपको अनुभव होता है उसको हम पैराडाइज बोलते हैं, यानी ना शोरगुल है ना कोई चिंता वगैरह, आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है एन एनिमल और ए प्लांट लिविंग ऑन अनदर। ये क्या होता है, मतलब कोई जानवर है, आपने देखा सभी जानवर हैं, आपने देखा कि प्लांट के ऊपर निर्भर होते हैं, मतलब एक दूसरे के वो क्या है निर्भर होते हैं, तो उनको पैरासाइट बोला जाता है, इनको परजीवी या पराश्रयी बोलते हैं। नेक्स्ट पीस ऑफ इनक्लोज लैंड फॉर पब्लिक रिक्रिएशन। ये क्या होता है स्टूडेंट के, इनको बोला जाता है आपका पार्क या हम पार्क का कहें उद्यान। ये क्या होता है, इसमें मतलब सीट वगैरह डाल दी जाती है बैठने के लिए, और ग्राउंड में क्या है घास वगैरह लगा देती है, पौधे वगैरह लगा दिए, तो उसको क्या बोलते हैं जो पब्लिक प्लेस मतलब जो होता है एक तरीके से, इसमें क्या है जो व्यक्ति हैं वो आराम से अपनी हम कहें तो आराम कर सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है, तो एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए सुबह शाम जाते हैं लोग, तो उसको आपका पार्क या हम वाटिका बोलते हैं। तो आज की क्लास की स्टूडेंट यहीं तक, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.